स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब चैप्टर के बारे में, वर्ब टॉपिक के बारे में। एंड आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया पहले से ही होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। सो देखिए, इससे पहले कि वर्ब के बारे में और आगे कुछ मैं बता दूं, वर्ब होता क्या है। तो वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वर्ब एक एक्शन है। वर्ब जो हम कोई काम करते हैं, यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम परफॉर्म किया जाता है उसको ही क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब आपको अगर ध्यान आ रहा हो काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में, तो मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था जो वर्ब है, वर्ब के टू काइंड्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। पहला मैंने आपसे डिस्कस किया था फाइनाइट वर्ब के बारे में, और उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। इन दोनों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आज इस लेक्चर को पहले हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, इसके बाद एंड पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, सो देखिए यहां पे फाइनाइट वर्ब एक्चुअल में क्या होता है। देखिए यहां पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि ही इज प्लेइंग गेम। मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस लिख दिया कि वह खेल खेल रहा है। बेटा इस सेंटेंस में आप लोग देखिए, यहां पे ये जो व्यक्ति है, या हम किसी नाम लिख देते हैं तो आप लोग को और समझ में आएगा। हमने यहां लिख दिया रोहित, कि रोहित इज प्लेइंग गेम। तो यहां पे देखिए रोहित क्या काम कर रहा है? रोहित खेल रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो वर्ड यहां पे दिया गया है, ये वर्ड क्या है? वर्ब है। ये वर्ड क्या है? वर्ब। अब ये जो वर्ब है बेटा, ये वर्ब कितने तरीके का हो सकता है? दो तरीके का। पहला हो सकता है फाइनाइट, और दूसरा हो सकता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हमको पहचानना है कि जो प्लेइंग वर्ब यहां पे दिया गया है, ये कौन सा है? ये फाइनाइट है या फिर नॉन फाइनाइट है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब, यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब के जो इज आप देख रहे हैं ना, इज यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर यहां पे इस हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करें, क्या करें? चेंज कर दें, और इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने के बाद ये जो वर्ब दिया गया है ये बदल जाए, क्या हो? बदल जाए, तो ये कहलाएगा फाइनाइट वर्ब। यानी कि वो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब के बदलने पे, किसके बदलने पे? हेल्पिंग वर्ब के बदलने में बदल जाता है, वो कहलाता है फाइनाइट वर्ब। अब देखिए यहां पे, जैसे कि अभी देखिए हमने इज लगाया है, इज एम आर के साथ बेटा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हम इज जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम हटा देते हैं, और यहां पे हमने लगा दिया हैज। क्या लगा दिया? हैज। अब देखिए हैज और हैव का रूल ये है कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है? थर्ड फॉर्म। यानी कि जो अभी तक आईएनजी फॉर्म लगा हुआ था, जैसे ही हमने हेल्पिंग वर्ब बदला, ये ing यहां से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यानी कि ये वर्ब जैसे ही हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, ये जो प्लेइंग था ये बन गया प्लेड। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बदलने के साथ ये भी बदल गया, ये भी चेंज हो गया। जब ये चेंज हो गया तो अभी कौन सा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, फिर आपको जो है आगे भी नेक्स्ट टाइम के बारे में समझाता हूं। अब देखिए मैंने यहां पे एक एग्जांपल और ले लिया कि रवि इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए सेंटेंस वही, थोड़ा सा मैंने नए तरीके से इसको लिख लिया है। अब देखिए यहां पे पहले के तरीके बेटा क्या लगा हुआ है? आईएनजी फॉर्म लगा है। क्या लगा हुआ है? आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। अब यहां पे वर्ब तलाशते हैं,
तो ये जो रवि है यहां पे काम क्या कर रहा है, तो यहां पे ध्यान से देखिए, पहले तो रवि जा रहे हैं जहां जाना था एक काम, तो ये कर रहा है, और जब वो पहुंच जाएगा तो वो जाके क्या करेगा, खेलेगा, क्या करेगा, खेलेगा। यानी कि यहां पे कितने वर्ब है, दो वर्ब है, वर्ब नंबर वन वर्ब नंबर टू, यहां बेटा कितने वर्ब है, दो वर्ब है। अब देखिए मैंने आपको बताया ये कि अगर जो हेल्पिंग वर्ब इज है इसको अगर हम बदल दें, इसको हम क्या करें, बदल दें, और इसके बदलते ही अगर ये जो वर्ब है ये भी बदल जाते हैं, इनमें कोई चेंज आ जाता है तो ये कहलाएगा फाइनाइट, और नहीं चेंज होगा तब कहलाएगा नॉन फाइनाइट। जरा देखिएगा, अब मैंने यहां पे इज हटाया और पहले की तरीके मैंने यहां पे क्या लगा दिया, हैज पुट कर दिया। मैंने क्या पुट कर दिया, हैज। आप लोगों को रूल ना याद हो, मैंने टेस्ट में पढ़ाया था, फिर से रिवाइज करवा दूं कि इस एम आर में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है और वाज वर्ब और हैज और हैव के साथ वर्ब की बेटा थर्ड फॉर्म लगती है। तो जैसे देखिए मैंने यहां पे हैज किया, हैज करने पे क्या होगा कि ये जो वर्ड वर्ड है गो वाला, जो अभी तक गोइंग था वो बेटा बन जाएगा गॉन। क्या बन जाएगा, गॉन। यानी कि वर्ब के बदलते ही ये वाला वर्ब बदल गया लेकिन ये वाला वर्ब नहीं बदलेगा। यानी सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैज गॉन टू प्ले क्रिकेट। तो देखिए वर्ब नंबर वन चेंज हो गया, वर्ब नंबर टू नहीं चेंज हुआ, ठीक है। तो यहां पे जो वर्ब चेंज हो गया ये वाला कहलाएगा फाइनाइट और ये वाला कहलाएगा नॉन फाइनाइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में क्लियरली आ गई होगी। ना इस वीडियो को बाद एक दो बार और देखिएगा और जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहां पे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको ये याद रखना है बेटा कि वर्ब क्या है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या होता है, वर्ब जो है एक एक्शन वर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद वर्ब के कितने काइंड्स है, मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग इसके जो है दो काइंड्स है, पहला होगा फाइनाइट, दूसरा होगा नॉन फाइनाइट। अब जरा एक चीज देखिएगा, फाइनाइट वर्ब तो जो आपका है उसका जो मैंने डेफिनेशन बताया वही रहेगा, जरा नॉन फाइनाइट को हम लोग डिस्कस कर ले। और ये आपका जो थर्ड चैप्टर, ये थर्ड चैप्टर है भी वही नॉन फाइनाइट, तो चलिए नॉन फाइनाइट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब नॉन फाइनाइट आपको ये तो पता चल गया कि नॉन फाइनाइट वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब के बदलने पे ना बदले, ठीक है। अब देखिएगा बेटा जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है इसके कुछ काइंड्स होते हैं जो आपको याद करना चाहिए। पहले नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं इन्फिनिटिव के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं, इसको आप लोग अच्छे से इस नाम को रख लीजिए। पहले पढ़ेंगे इन्फिनिटिव्स, फिर पार्टिसिपल्स, और लास्ट एंड पे हम लोग पढ़ेंगे जीरंड। तो आपको क्या याद करना है, जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं, नॉन फाइनाइट्स वर्ब के थ्री काइंड्स हैं, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जीरंड। क्या क्या, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स, जीरंड। अब जरा इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये होते क्या क्या, इनका यूज क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन्फिनिटिव के बारे में बात करें तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी वर्ब के पहले अगर टू लग जाए, किसी भी वर्ब के पहले टू लग जाए तो उसके बाद जो वर्ब आएगा हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि वी वन में, किस तरह बेटा, और या हम वर्ड ही लिख दे सीधा, या यहां पर हम वर्ब लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, वर्ब, आगे मैं आपको समझा दूंगा। तो इन्फिनिटिव्स वो होते हैं, सॉरी, अगर किसी भी वर्ब के आगे टू लग गया तो वो इन्फिनिटिव्स होगा, और हमेशा याद रखिएगा टू के बाद जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। जैसे कि देखिए मैं लिखूं क्या, टू गो, मैंने क्या लिखा, टू गो, तो यहां भी ये पूरा किस फॉर्मेट में, इन्फिनिटिव फॉर्म में। जैसे अगर आपने ध्यान दिया था अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ था क्या, कि ही इज गोइंग टू प्ले डैश डैश डैश। अब यहां पे देखिए मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि यहां पे जो ये गोइंग दिया गया है ये तो फाइनाइट होगा चूंकि ये बदल जाएगा, बट यहां देखिए जो ये प्ले आया हुआ है, प्ले की बड़ा ध्यान से देखिए यहां पे टू लगा है, क्या लगा हुआ है, टू। तो ये जो पूरा पार्ट है ये यही आपका पार्ट कहलाता है इन्फिनिटिव। क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव, यानी कि टू के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगा पहली चीज आपको याद रखना है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी। कौन सी फॉर्म में होगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी, और वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो कभी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट,
ही इज गोइंग टू फाइट विद हिज फ्रेंड, ही इज गोइंग टू जंप इन टू द रिवर. तो गोइंग टू जंप मैंने क्या बोला, टू जंप. ये जो टू जंप है इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव. यानी कि पूरे सेंटेंस में अगर आपको कहीं पे कोई वर्ब मिल जाए और वर्ब की पहले टू मिल जाए तो समझ जाइएगा ये नॉन फाइनाइट है. और नॉन फाइनाइट में कौन सा काइंड है, ये इन्फिनिटिव काइंड है. और टू के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं. पार्टिसिपल, देखिए अभी जीरो को हम थोड़ा सा हटा देते हैं. अब देखिए जब हम पार्टिसिपल की बात करेंगे तो पार्टिसिपल बेटा दो तरीके की होती है. एक आपका होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और एक होगा पास्ट पार्टिसिपल. तो पार्टिसिपल कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं. पहला होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा होगा पास्ट पार्टिसिपल. अब देखिए दोनों में जरा ध्यान से सुनिएगा ये दोनों बनते कैसे हैं. अगर कोई वर्ब मिल जाए, कोई भी वर्ब मिल जाए और बेटा उस वर्ब में अगर आईएनजी फॉर्म लगा दी, क्या लगा दी, आईएनजी फॉर्म लगा दी, तो वो बन जाएगा कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल. और अगर कोई एक वर्ब ऐसा हो उसकी हम थर्ड फॉर्म लगा दें, क्या लगा दें, थर्ड फॉर्म लगा दें, और वो नॉन फाइनाइट के ग्रुप में आई, ये चीज ध्यान रखिए, वो बदलेगी नहीं, और उसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई हो साथ में वो बदल भी नहीं रही है तो वो कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल. इतना याद रखना है. इन्फिनिटिव कैसे बनता है याद कर लीजिएगा, इन्फिनिटिव वर्ब की पहले टू लगाने से बनता है. और अगर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दिया जाए और आईएनजी फॉर्म लगाने के बाद वो वर्ब बदले भी ना वाक्य में हेल्पिंग वर्ब बदलने के साथ तो वो कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल. और अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें और थर्ड फॉर्म लगाने के बाद वो जो सेंटेंस में जो वो वर्ब है वो बदले ना तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा. इतना आपको पहले रटना है. अब एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाता हूं. जैसे कि मान लीजिए मैं कहीं जा रहा था कि जाते समय हुआ कि एक घटना मैंने देखा कि आई हैव, थोड़ा सा बांध लीजिए मुझे जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, जस्ट सेकंड याद दीजिए, मैं यहां पर लिखता हूं आई हैव सीन अ बर्निंग. आई होप आप लोगों ने ये बर्निंग ट्रेनिंग एक मूवी के नाम सुना हो तो अच्छी बात है. सो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे जो वर्ब है यहां पे दो वर्ब है, ये जो आई एक व्यक्ति है, ठीक है. सो ये क्या, आई हैव सीन, ठीक है, आई हैव सीन. तो यहां पे देखिए वर्ब जरा ध्यान से दीजिए, एक तो उसका वर्ब वो काम उसने क्या किया, उसने देखा, और एक काम और हो रहा है, एक ट्रेन है जो कि जल रही है, क्या हो रही है, बर्न हो रही है. यहां बेटा दो काम है, एक हो गया बर्निंग यानी जलना, जलना एक काम होता है, और सीन देखना भी एक काम होता है, यहां पे दो काम है. तो देखिए अगर सर हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करें, हमने हैव को हटा दिया, हैव को हटाने के बाद हमने इस बार लगा दिया एम लगा दिया. और मैंने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन इस एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है. तो जैसे हमने इस एम आर लगा दिया तो भाई इसके बाद जो वर्ब आ रही है वो तो आईएनजी फॉर्म में लगेगी, यानी कि सीन का जो थर्ड फॉर्म लगा इसको हम हटा करके हम इसे सीन करना पड़ेगा. सो आई एम सीइंग, देखिए ये वाला वर्ड बदल गया, ये वाला वर्ब बदल गया, यानी कि ये कौन सा वर्ब है, ये वाला वर्ब फाइनाइट है, क्या है, लेकिन देखिए बर्निंग नहीं बदला है, ये कौन सा है, ये वाला वर्ब आपका है नॉन फाइनाइट. अब नॉन फाइनाइट में बेटा काइंड कौन सा है, मैंने अभी अभी आपको सिखाया, वर्ब की पहले टू लगा हो तो इन्फिनिटिव, वर्ब के बाद आईएनजी लगा हो बदले ना तो क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल. और पार्टिसिपल में कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, याद करिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल. और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा हो और ना बदले तो पास्ट पार्टिसिपल. देखिए यहां वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा है और ये बदला भी नहीं, इसका मतलब ये कि पार्टिसिपल है, लेकिन कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल. यहां पे देखिए यहां इसका मतलब क्या, कोई व्यक्ति वो जा रहा था उसने देखा क्या कि ट्रेन मतलब अभी जल रही है, बर्निंग ट्रेन मतलब क्या, जब उसने उस ट्रेन को देखा तो वो ट्रेन जल चुकी थी, सॉरी जल रही थी. तो ये हो गया बर्निंग.
अब जरा पास्ट पार्टिसिपल को समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इस बर्निंग में से आईएनजी हटा दिया और आईएनजी हटा करके मैंने वाक में थोड़ा सा चेंज किया और बर्निंग को मैंने बर्न्ड कर दिया। बर्निंग और बर्न्ड में अंतर देखिएगा, मान लीजिए आप जा रहे हो, आपने जलती हुई ट्रेन को देखा, ट्रेन अभी जल रही है तो वो कहलाएगी बर्निंग ट्रेन। लेकिन अगर आपने बोला बर्न्ड ट्रेन तो बर्न्ड का मतलब यह हुआ कि आपने ट्रेन को तब देखा जब ट्रेन जल चुकी थी। कई बार आप लोग रोड के किनारे से निकलते हो, आप लोग देखते क्या हो कि कार में आग लग गई है, आग अभी लगी हुई है, आपने अपनी आंखों से देखा आग को जलते हुए, तो आप बोलोगे क्या बर्निंग कार, क्या बोलोगे बर्निंग कार। लेकिन मान लो कोई जली हुई कार, आग बुझ चुकी है, आग जो है उसमें नहीं है, आग जो सेट ऑफ हो चुकी है, तो आप क्या बोलोगे वहां पे बर्न्ड, क्या बोलोगे आई हैव सीन अ बर्न्ड ट्रेन। तो ये तो मतलब की बात हो गई, मीनिंग की बात हो गई, अब कॉन्सेप्ट पे आती है। तो देखिए आई एम सीन अ बर्न्ड ट्रेन, मैं एक जली हुई ट्रेन, देखिए पहले क्या था जलती हुई ट्रेन, अब जली हुई ट्रेन देख रहा हूं। देखिए इस सिचुएशन में भी अगर आप चेंज करते तो ये ना बदलता, लेकिन अब यहां पे एक चीज बदल गया है, ये पार्टिसिपल तो है, ठीक है, लेकिन कौन सा पार्टिसिपल है? आप बोलोगे सर ये वाला जो पार्टिसिपल है ये पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल। क्यों पास्ट पार्टिसिपल है? क्योंकि यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है? थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो अब तक आपको तीन कॉन्सेप्ट याद करना है, इन्फिनेटिव वर्ब की पहले टू लगाने से बनता है, पार्टिसिपल जो है दो तरीके के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आई एन जी लगाने से बनता है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पे और इसको हम लोग और समझते हैं। पार्टिसिपल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जीरण की, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन हाँ एक बार मन लगा के आपने सुन लिया तो गारंटी कि दोबारा आप नहीं भूलोगे। अब बात करते हैं जीरण की। अब जीरण कैसे बनता है बेटा? जीरण भी एक्चुअल में जो वर्ब दिया होता है ये भी वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। अब आप थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज होंगे। देखिए हमने अभी आपको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताया था और यहां पे भी हमने आपको बताया कि पास्ट पार्टिसिपल में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटा वो भी वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। ध्यान से सुनिए, अगर समझना है तो ये समझ में आ गया, समझिए कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया। बड़े बड़े लोग जो इस टॉपिक को समझ नहीं पाते, बहुत से टीचर से समझा भी नहीं पाते हैं, ध्यान से सुनिए कि इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन बेटा आपको नहीं मिलेगा। आपने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पहली चीज तो इन्फिनिटिव टू लगाने से बनता है, पार्टिसिपल भी मैंने आपको बताया दो, पहला वर्ब में आईएनजी लगा दोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। अब खैर आते हैं जीरंड में। जीरंड में मैंने आपको क्या बताया कि जीरंड क्या होता है? जीरंड वो होता है जिसने वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दी। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, सर अभी तो आपने ये बताया कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसमें भी तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो दोनों में अंतर क्या होता है? अब अंतर देखिए, यहां ध्यान से देखिए कि मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, तो आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा कि जो जीरंड होता है क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म करने पे क्या बनता है? जीरंड बनता है। अब देखिए मैं जो है यहां पे सेंटेंस लिख रहा हूं कि मैं बोलू स्विमिंग, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, स्विमिंग is good for health। देखिए मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक सेंटेंस मैं पिछले वाला ही रिपीट कर लेता हूं कि I have seen a burning car कर देता हूं। चलिए ठीक है, सो यहां पे देखिए यहां पे दो वर्ड है, एक तो यहां पे देखिए स्विम मतलब तैरना, ठीक है, अब यहां पर इज एम आर वॉज और कहे चाहे जो लगाओ बेटा ये नहीं बदलेगा, ये स्विमिंग है स्विमिंग ही रहेगा। इसमें देखिए स्विम मतलब तैरना, ये काम है और काम में हमने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया, ठीक है। अब यानी कि एक तो वर्ब ये हो गया, ये आईएनजी इसमें भी लगी हुई है, और एक दो है ये बर्निंग है, बर्निंग में बर्न था
काम था, हमने आईएनजी लगा दिया, तो यहां भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी है और यहां भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी है। अब कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्या सर, ये जीरंड है कि पार्टिसिपल है, ये जीरंड है कि पार्टिसिपल है, क्योंकि दोनों में आपने बताया कि भाई जीरंड भी वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है और पार्टिसिपल भी वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। यहां पे ध्यान आपको ये देना है बेटा कि जो जीरंड होगा, देखो ये स्टार्टिंग में आया, कहां आया है, स्टार्टिंग में आया, यानी कि एक सब्जेक्ट की तरीके आया, किसी तरीके आया है, सब्जेक्ट तरीके आया है, यानी कि अगर कोई वर्ब हो, क्या हो, कोई वर्ब हो, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी हुई हो, ठीक है, और वो एक सब्जेक्ट की तरीके आए, किसके तरीके आए, सब्जेक्ट की तरीके आए, तो वो कहलाएगा जीरंड। क्या कहलाएगा, जीरंड। यहां पर यानी जो स्विमिंग दिया गया है, ये स्विमिंग क्या है, ये जीरंड है। क्या ये जीरंड है, क्यों, क्योंकि वर्ब में आईएनजी फॉर्म तो लगी है लेकिन कहां पे लगी है, किस तरह से यूज हुआ है, ये सब्जेक्ट के तरीके यूज हुआ है। लेकिन यहां पे देखिए कि जो बर्निंग कार है, बर्निंग कार देखिए ये स्टार्टिंग में नहीं आया है, ये जो बर्निंग वर्ड है ये एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज हुआ है, ठीक है, तो यहां पे ये क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल। बस इतनी सी बात है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वर्ब प्लस आईएनजी वाला वर्ड स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की तरह आएगा तो वो कहलाएगा जीरंड। क्या कहलाएगा, जीरंड कहलाएगा। और अगर वर्ब प्लस आईएनजी वाला वर्ड सब्जेक्ट की जगह पे ना करके ऑब्जेक्ट या किसी और जगह पे आता है तो वो आपको कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये था आपका नॉन फिनिटिव का जो नॉन फाइनाइट्स का जो है जितना भी एक्सप्लेनेशन था, इसको आप लोग अच्छे से नोट्स पे लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलिए हम लोग लेते हैं कुछ एक्सरसाइज आपकी बुक का, उसे सॉल्व कर दिया और समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया है आपकी बुक का, हियर इज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 नॉन फाइनाइट्स। सो देखिए आप ए नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अंडरलाइन द फाइनाइट वर्ब एंड सर्कल द नॉन फाइनाइट वर्ब इन दी सेंटेंसेस, यानी दिए गए सेंटेंसेस में जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगे उनको आपको क्या करना है, सर्कल करना है, और वो वर्ब्स जो क्या है फाइनाइट उन्हें आपको अंडरलाइन करना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। सो नीना बॉट अ पैकेट ऑफ फ्रोजन पीज, तो यहाँ पे देखिए जो वर्ब हो जाएगा आपका बॉट है, और ये जो आपका वर्ब होगा फाइनाइट वर्ब होगा, तो इसे हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिक्स नीड सम ग्रेन्स टू ईट। स्टूडेंट थोड़ा सा हम स्पीड में लेकर के चलेंगे क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, और कहीं पे स्पेशल आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। सो द चिक्स नीड सम ग्रेन्स टू ईट, तो देखिए यहाँ पे है क्या, दो वर्ब हैं, एक तो नीड आवश्यकता और टू ईट खाना। तो देखिए अभी मैंने आपको टू ईट के बारे में जो बताया था, तो टू ईट आपका क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि टू लगा हुआ है तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, और नीड आपका हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा देखिए आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क सिटिंग ऑन द टेरेस। सो आई लाइक, यहाँ पे एक वर्ब तो आपको लाइक मिल जाएगा जिसे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और टू ड्रिंक पीना ये भी बेटा एक वर्ब है और इसे आप सर्किल करिएगा क्योंकि ये नॉन फाइनाइट है, और सिटिंग बैठना, और ये भी क्या है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे देखिए रनिंग स्टार्टिंग में आया, आई होप अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा जो भी नॉन फाइनाइट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। रनिंग देखिए स्टार्टिंग में आ गया है, एनजी फॉर्म लगे तो आप समझ गए होंगे ये जीरंड होगी, होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, क्या होगा। तो खैर यहाँ पे रनिंग आपको सीधा सर्कल करिए क्योंकि फिलहाल ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दे वॉन्ट टू ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे देखिए एक वर्ब बेटा वॉन्ट है जिसे आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, बिकॉज ये वर्ब फाइनाइट वर्ब है, एंड टू ईट इसे आपने सर्कल करना है क्योंकि ये कैसा वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फादर लाइक्स टू स्विम, आई होप ये तो आप सॉल्व कर ही लिए होंगे, जो लाइक है इसको आप लोग बेटा अंडरलाइन करिएगा बिकॉज ये फाइनाइट वर्ब है, एंड टू स्विम को आप लोग सर्कल करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु स्पेंड्स हिज टाइम कलेक्टिंग स्टैम्प्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मनु स्पेंड्स, पहला क्या हो जाएगा स्पेंड्स, तो स्पेंड्स को आप अंडरलाइन करना है, और कलेक्टिंग ये भी क्या है एक वर्ब है तो इसे आप क्या करेंगे सर्कल करेंगे बिकॉज कलेक्टिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब के बेसिस चेंज नहीं होगी, और स्पेंड्स आपका यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, देयर फ्रेंड्स ट्राइड, एक तो वर्ब ये हो गया
एंड टू ब्रिंग, तो टू ब्रिंग बेटा आपका सर्किल कर दीजिएगा, नॉन फाइनाइट है, एंड ट्राइड आपका फाइनाइट वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्राइविंग केयरफुली इज गुड प्रैक्टिस, ड्राइविंग, तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ ए, रीता वॉन्टेड, आई होप आप लोगों का बहाने भी लगा होगा, वॉन्टेड यहाँ पे आपके बेटा फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, और टू इम्प्रूव क्या हो जाएगा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। सो इन दिस वे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ए नंबर हैज बीन सॉल्व्ड। नाउ लेट्स टेक ऑल द क्वेश्चंस ऑफ बी नंबर एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग ऑल दोज क्वेश्चंस एज वेल। सो नाउ वी आर ऑन द सेकेंड पेज एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर बी, वॉट इट इज सेइंग, कंप्लीट दीज सेंटेंसेज विथ इन्फिनेटिव्स, विदाउट और विदाउट टू, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था बेयर इन्फिनेटिव के बारे में, ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। सो चलिए स्टूडेंट, थोड़ा सा स्पीड में मैं इसे सॉल्व करूंगा जिससे आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाए। एक बार आप लोग सेल्फ पहले सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, फिर इस वीडियो के साथ मैच करिएगा, आइदर यू आर अटेम्प्टिंग करेक्ट और नॉट। सो ही इज द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए ही वॉन्टेड, तो यहाँ पे देखिए आप जो फिल करेंगे आप यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसके बिफोर में आप टू लगा देंगे, क्या हो जाएगा, टू डाउनलोड, ठीक है, यानी कि आप एक नॉन फाइनाइट फिल करेंगे। कैन यू रिमाइंड मी, सो इसमें आपका जो ऑप्शन फिल होगा वो ऑप्शन आपका फिल होगा टू कॉल, क्या फिल होगा, टू कॉल करके आप फिल कर देंगे सेकंड नंबर में। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट इज सेइंग दैट आई वुड लाइक टू, हियर बेस्ट ऑप्शन विल बी टू स्पीक, क्या हो जाएगा, टू स्पीक। क्वेश्चन नंबर फोर, इट इज सेइंग दैट आई होप टू ज्वाइन, करेक्ट आंसर विल बी आई होप टू ज्वाइन। ऑल राइट एवरी वन, आई होप यू ऑल आर गेटिंग, कहीं पर कोई डाउट आता है, आपको लगता है नहीं कोई ऑप्शन और होना चाहिए सर, तो यू मे ड्रॉप योर कन्फ्यूजन प्रॉब्लम्स इन कमेंट सेक्शन, आइदर यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी वाया माई टेलीग्राम चैनल, देर आई विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन ऑफ ऑल योर कन्फ्यूजन्स और डाउट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज सेइंग दैट डिड यू हियर द बेबी, यहाँ पे देखिए आपके लोग क्राई लिखेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू यूज टू, यहाँ पे हम टू का यूज नहीं करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज सेइंग दैट वी हर्ड समवन नॉक, यहाँ पे क्या लिखें, टू नॉक नहीं करेंगे हम लोग, क्या फिल करेंगे, नॉक। सो यहाँ पे आप फिल करने वाले हैं नॉक, ओनली नॉक, नॉट टू। नाउ सेवन नंबर, यू डेयर नॉट, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी टच, ओनली टच, यू डेयर नॉट टच माई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। Now the next question will be, we saw Ritu look, here the correct option will be look, so you are going to fill this option. Question number 9, it is saying that would you like dash this program, so would you like to see, kya ho jayega, would you like to see this program. Here the last question of B number is saying that we tried in vain to pull, as only that option has been remained, so this will be the correct answer. Now students, let's go to the next piece and let's solve remaining question of this chapter. So students, now we are on the next page and here is question number C in front of us, which is saying that change the following sentences to 2-2 pattern. One has been done for you. देखिए बेटा यहाँ पे ये एक special case होता है, इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए जो two, एक बार टी डबल ओ आया हुआ है, डैश टू, हमेशा याद रखिएगा जब कोई भी चीज़ नेगेटिव फॉर्म में आ जाती है तो उसके लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का, यानी कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो कि वो चीज़ पॉसिबल ही ना हो पाए। मान लीजिए कि चाय इतनी गर्म है कि आप उसे पी ही नहीं सकते, तो उसे आप क्या बोलेंगे, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ठीक है। तो उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको मान लीजिए समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस टॉपिक पे मैं आप लोगों की अलग से एक क्लास, एक अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, बट आई नीड कमेंट्स, आई नीड क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। जब तक आप अपनी रिक्वायरमेंट्स मुझे नहीं बता पाएंगे, मैं फिर आगे कोशिश नहीं कर पाऊंगा। सो जैसे हम देखिए सॉल्व भी किया गया है, लिखा है कि दिस डिश इज सो सॉल्टी दैट आई कैन नॉट ईट, यानी कि ये जो डिश है टू सॉल्टी है, बहुत ज़्यादा है, आपको सो को क्या करना है, रिमूव करना है, और सो की जगह पे आपको क्या प्लेस करना है, टू प्लेस करना है, और जो नेगेटिव वर्ड कैन नॉट है उसको हटा करके सीधे आपने कहाँ जाना है, वर्ब में आ जाना है, ठीक है। सो दिस डिश इज टू सॉल्टी टू बी ईटन, ये ऑलरेडी सॉल्ट है। हाँ, कुछ लोग जो ऐसे केवल वीडियो देख रहे हैं, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, बिकॉज जो मैं सेंटेंसेस बोलूंगा इसे आपको लिखना पड़ेगा, जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा।
यहां पे देखिए है क्या, द क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट, यानी बहुत डिफिकल्ट है। तो इसे हम क्या करते हैं, द क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट, पहले क्या कर देंगे हम लोग एवरीवन, द क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट। अब देखिए सीधा कहां आ जाएंगे, वर्ब में आ जाएंगे, क्या करने में डिफिकल्ट है, टू सॉल्व, यानी कैन नॉट, आई कैन नॉट को हम हटा देंगे। यहां से क्या कर देंगे हम बेटा, पहले वेरी को रिमूव करेंगे और वेरी के बाद आई कैन नॉट को रिमूव कर देंगे, डायरेक्टली कहां आ जाएंगे, वर्ब पे आ जाएंगे और उसके बिफोर हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। सो आपका फॉर्मेशन जो हो जाएगा उसे आप लोग कॉपी में लिख लीजिए पेन पेंसिल से, कि द क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व क्विकली, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट रोहन्स डॉग इज सो फ्रेंडली, देखिए यहां पे क्या यूज हुआ, सो फ्रेंडली, यानी कि सो को आपने रिमूव करना है और क्या प्लेस करना है, टू प्लेस करना है, और इसका सीधे आप कहां पे आ जाना है, आपको वर्ब में आ जाना है, यानी क्या हो जाएगा, द रोहन्स डॉग इज टू फ्रेंडली टू बाइट, यहां पे क्या है, बाइट है, क्या हो जाएगा, टू बाइट एनिमल। सो रोहन्स डॉग इज टू फ्रेंडली टू बाइट एनिमल, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर ड्रेस इज सो शॉर्ट, अब आप तो आप समझ गए होंगे यहां पे क्या करना है, तो सो की जगह पे आपने क्या यूज कर देना है, टू लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, योर ड्रेस इज टू शॉर्ट फॉर मी टू वियर, क्या हो जाएगा, फॉर मी टू वियर। नाउ बिकॉज ये आई होप आपको समझ में आएगा, बट लेट ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नाउ लेट सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट आई एम सो एक्साइटेड, तो फिर से देखिए वही हो जाएगा, आई एम सो, सो को हटा देना है और सो की जगह पे आपने क्या प्लेस करना है, टू को प्लेस करना है। सो ये बन जाएगा आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई बर्थडे पार्टी, यहां तक आप करेंगे, फिर क्या करेंगे, दैट आई कैन नॉट को आपने रिमूव कर देना है, इसकी जगह पे आपने क्या रूल यूज करना है, टू, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग एल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पल इज सो फार दैट वी के नॉट वॉक अप टू इट, आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सही आंसर पे आते हैं, तो क्या हो जाएगा, द टेम्पल इज टू फार, क्या हो जाएगा, इट विल बी टू फार फॉर अस टू वॉक अप टू। नाउ हियर इज अ लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट, तो इसको आपका जो सोल्यूशन डायरेक्टली आप उसको लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। सो हियर इट इज सेइंग दैट व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ कृति वॉज वेरी स्केयर्ड, यानी कृति क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा डर जाती है, तो आप पहले आप क्या बनाएंगे सेंटेंस, देखिए आप कृति से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे कि कृति वॉज टू स्केयर्ड, फिर क्या हो जाएगा, क्या करने में, टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, और कब ऐसा होता है, व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, यानी आप यहाँ पे पूरा सेंटेंस जो बनाएंगे वो ये बनाएंगे, कृति वॉज टू स्केयर्ड टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड नाउ लेट सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस पेज। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर डी इन फ्रंट ऑफ अस, एंड इट इज सेइंग दैट रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनिटिव्स एंड मेक अदर नेसेसरी चेंजेस, इट मींस इन दिस सेंटेंस व्हाट वी आर टू डू, जो सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस दिया गया है, इसको हमें कहीं के कुछ चेंजेस करके इन्फिनिटिव्स की तरीके सॉल्व करना है, यानी कि पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं टू जैसे फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इट इज सेइंग दैट व्हाट, इट इज कंसीडर्ड दैट सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, सचिन इज कंसीडर्ड, हम क्या करेंगे, सचिन इज कंसीडर्ड टू बी, इसे आप लोग पेन कॉपी लेकर के लिखते जाइएगा, ठीक है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन होगा बताइएगा, तो अगला मैं क्लास आप लोगों को लाइव क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे डायरेक्टली हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। तो इसका बेटा जो आंसर होगा वो होगा सचिन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, क्या बोलेंगे, सचिन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, The driver was the last person who boarded the bus. अब इसे हमें infinitive में बनाना है, क्या बोलेंगे, The driver was the last person to board the bus. क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमें who को हटाना है और boarded हटा के हम क्या कर देंगे, to कर देंगे, क्योंकि हमें infinitive ले आना है, यानी कि पूरे sentence में to का use नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना है, to का use करना है। So answer क्या हो जाएगा, The driver was the last person to board the bus. Now नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज दैट चिली वनीला इज द फ्लेवर विच वन शुड टेस्ट एट दिस आइसक्रीम पार्लर।
ना, तो यहां पे हम जैसे अभी फर्स्ट वाला सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे कि चिली वैनिला इज द फ्लेवर टू टेस्ट एट दिस आइसक्रीम, क्या हो जाएगा, चीनी चिली वैनिला इज द फ्लेवर। अब देखिए विच जो लगा हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और सीधा कहाँ जाएंगे, टू टेस्ट वर्ब पे आ जाएंगे, टू टेस्ट एट दिस आइसक्रीम पार्लर। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4। इट इज सेइंग दैट ही इज द पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड विद दिस सीक्रेट। अब आई होप आइडिया आपको लगने लगा होगा कि अब जहाँ पे यहाँ हु वगैरह इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। सो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ही इज द पर्सन टू बी ट्रस्टेड, यानी कि हु कैन को हटा करके हम क्या कर देंगे, टू बी ट्रस्टेड, जिस पे आप क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। सो टू बी ट्रस्टेड कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा विद दिस सीक्रेट, यानी कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा, ही इज द पर्सन टू बी ट्रस्टेड विद दिस सीक्रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ही वॉज वेरी इलेटेड वेन वी हर्ड द न्यूज ऑफ योर एग्जाम रिजल्ट। थोड़ा सा हम लोग क्विक चलते हैं, नहीं कई सारे एक्सरसाइज इस चैप्टर में है। सो वी वर वेरी इलेटेड टू हियर, यानी कि वेन हैड को हटाएंगे और सीधा हम कहाँ जाएंगे, वर्ब पे आते हैं। कहाँ पे हम देखा हमेशा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे चेंजेस, जहाँ कहीं आपको कंजक्शन मिलेगा कंजक्शन को आपने रिमूव करना है और सीधा आपको वर्ब में आना है और वर्ब को टू से कनेक्ट करके वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे जो कंप्लीट सेंटेंस आपका फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी वर वेरी इलेटेड टू हियर द न्यूज ऑफ योर एग्जाम रिजल्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 6। माई पेट डॉग वॉज वेरी अनॉयड वेन, देखिए वेन फिर कंजेशन आ गया, तब यही समय सॉल्व करना है। सो माई पेट डॉग वॉज वेरी अनॉयड टू बी अवेकेंड, क्या हो जाएगा, टू बी अवेकेंड अर्ली इन द मॉर्निंग। नाउ 7 नंबर, इट इज सेइंग दैट दे नीड टू स्टार्ट देयर जर्नी एट 4 AM सो दैट, यहाँ पर देखिए फिर कंजेक्शन यूज हो गया है, यानी यहीं पे कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे और सीधा कहाँ पहुँचेंगे, वर्ब पे पहुँचेंगे और वर्ब यहाँ पे क्या है, व्यू है। तो वॉट वी विल डू, हम यहाँ पे लिखेंगे दे नीड टू स्टार्ट देयर जर्नी एट 4 AM टू व्यू द सनराइज, क्या करना पड़ेगा, टू व्यू द सनराइज, यानी कि दे एंड कैन को हम रिमूव कर देंगे। हियर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन, इट इज सेइंग दैट आवर क्लास टीचर आस्क दैट वी शुड, देखिए फिर से कंजेक्शन मिल गया, यानी कि हमें चेंजेस यहीं पे करने हैं। सो क्या हो जाएगा, आवर क्लास टीचर आस्क्ड अस, क्या हो जाएगा, आस्क्ड अस टू कीप, क्या करेंगे हम लोग, टू कीप द प्रोजेक्ट वर्क रेडी बिफोर मंडे। सो इन दिस वे सोल्यूशन ऑफ डी डी नंबर हैज बीन ऑल्सो डन। लेट्स टेक अनदर पेज एंड लेट्स सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर ई। So it is saying that join these sets of sentences using infinitives. One has been done for you. Means that यहाँ पे देखें आप हर क्वेश्चन नंबर पे दो क्वेश्चंस दिए गए, दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, एंड यू आर सपोज टू कनेक्ट बोथ द सेंटेंसेस बाई यूजिंग इन्फिनेटिव्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया था, शी कलेक्ट्स एंटीक फर्नीचर्स एंड इट इज हर हॉबी, और ये उसकी हॉबी है, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज हर हॉबी टू कलेक्ट एंटीक फर्नीचर्स। ओके अब उसी पे बेस देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये देखिए क्या कह रहा है, आई कैरी एन अम्ब्रेला एंड इट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम रेन। अब यानी कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आई कैरी एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द रेन। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मैं क्या करती हूँ, आई कैरी एन अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला ले जाती हूँ, क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट। हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो दो सेंटेंसेस हैं वहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस किसके वर्ब के साथ ऐड हो सकता है, और जहाँ पे वर्ब बेस्ट बैठेगा वहीं से सेंटेंस आपका क्या होगा, जुड़ जाएगा, वर्ब के बिफोर की जितनी चीज़ें होंगी वो कट हो जानी है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए 3rd नंबर है, द फार्मर्स आर वेरी पुअर, फार्मर्स क्या हैं, बहुत पुअर हैं, क्या करने में, दे cannot पे ऑफ their loans, यानी कि इतने पुअर हैं कि वो अपने लोन्स को नहीं दे सकते हैं। ये देखिए उसी पे बेस्ड क्वेश्चन जो हमने अभी पीछे किया था, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे द फार्मर्स आर वेरी पुअर, देखिए वहाँ पे था ना सो था वेरी था, ऐसे वर्ड आ रहे थे, तो उनको हम किस में चेंज कर दे रहे थे, टू में चेंज कर दे रहे थे, और आगे के जो दो कैन नॉट होता है उसको हम रिमूव कर दिया करते थे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, द फार्मर्स आर टू पुअर टू पे देयर लोन्स, क्या हो जाएगा, टू पे देयर लोन्स, यानी दे कैनॉट को हम रिमूव कर देंगे। 4th नंबर इज सेइंग दैट शी स्पीक्स द ट्रुथ, शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ इट, यानी कि वो सत्य को बोलने में नहीं घबराती है, तो हम क्या कह सकते हैं, शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ को हम क्या कर सकते हैं,
ऐड कर सकते हैं स्पीक से, तो क्या बोलेंगे, सी इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक, क्योंकि अफ्रेड यहाँ पे वर्ब देखिए यहीं से जुड़ रहा है, स्पीक वर्ब है, तो इसके बिफोर हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। सो शी इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रुथ, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट इज सेइंग दैट अनु इज गोइंग टू मुंबई, शी विल वर्क इन अ शॉर्ट फिल्म। अब वो मुंबई जाएगी और क्या करेगी, शॉर्ट फिल्म में वर्क करेगी, तो क्या हो जाएगा, शी इज गोइंग टू मुंबई। अब वर्ब कहाँ मिल रहा है आपको, वर्क से ना, तो वर्क के पहले आप क्या लगा देंगे, टू, और उसके बिफोर में जितने भी वर्ड हैं उसको आप रिमूव कर देंगे। सो अनु इज गोइंग टू मुंबई टू वर्क इन अ शॉर्ट फिल्म, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट इज सेइंग ही शुड कंसंट्रेट ऑन हिज गोल एंड वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, आई एडवाइज्ड हिम। अब उसने क्या किया, एडवाइस किया है, पहले एडवाइस किया होगा तो क्या बोलेंगे, आई एडवाइज्ड हिम टू, क्या लिखेंगे, आई एडवाइज्ड हिम टू। अब यहां पे वर्ब सर्च करेंगे कहां से आ रहा है, कंसंट्रेट, यानी कि ही शुड को हम रिमूव कर देंगे और कंसंट्रेट के पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टू। सो आवर सेंटेंस विल बिकम दैट आई एडवाइज्ड हिम टू कंसंट्रेट ऑन हिज गोल एंड वर्क हार्ड टुवर्ड इट। नाउ लेट्स टेक 7 नंबर, इट इज वेरी हॉट टुडे, We should not play outside. अब देखिए it is very hot, वही वाला स्टेटमेंट आ गया फिर से, very and so वाला, तो किस में चेंज हो जाएगा बेटा आपका, टी डबल ओ टू वाले फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा, it is too hot, क्या बोलेंगे, it is too hot today to play outside, क्या बोलेंगे, it is too hot today to play outside, क्या बोलेंगे, it is too hot today to play outside. Last question of this one, it is saying that Ajit quit his job. He wanted to climb mountains. तो काफ़ी ईजी है, सो अजीत क्विट हिज जॉब, क्या करने के लिए, अब ही को हटा देंगे, वॉन्टेड से स्टार्ट हो रहा है टू, तो क्या बोलेंगे, अजीत क्विट हिज जॉब टू क्लाइंब, क्या बोलेंगे, किस लिए, टू क्लाइंब माउंटेन्स। सो सोल्यूशन ऑफ ई नंबर हैज ऑल्सो डन। नाव लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स एंड लेट्स सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन। आई होप ये सारे पार्टिसिपल्स जो मैंने आपको समझाया था, यू हैव एनी डाउट, बट येस इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कन्फ्यूजन्स प्रॉब्लम्स वॉट एवर यू हैव। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे देखिए बेटा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल वगैरह मिलेगा, डोंट फॉरगेट टू लर्न ऑल दोज वर्ड्स, आपकी बुक में वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग लर्न जरूर कर लीजिए कि प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स के फॉर्म क्या क्या होते हैं। नाउ लेट्स टेक अनदर पेज। आई थिंक स्टूडेंट्स लेट्स डू वन थिंग, ऑलरेडी ये वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस क्लास टूडे and rest of the exercises whatever has been left all those exercises we will cover in next video, हम लोग next video में cover करेंगे। and उसके लिए सबसे important ये है कि आप लोग मुझे comment करके बताएं भी कि आप लोग जो remaining अभी chapters इसके बचे remaining जो questions बचे हुए solve करने के लिए इस chapter के, वह उसका solution आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो आप बता दीजिएगा तभी मैं उसको record करूँगा, requirement है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, because already हम लोग sufficient कर चुके हैं। सो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर फीडबैक्स कॉम्प्लीमेंट्स कि आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको उनका सोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, और अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए थैंक यू सो मच एवरी वन, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, सी यू सून विद द रिमेनिंग एक्सरसाइजेस।